गाइज वेलकम वेलकम टू माई चैनल फूड कॉर्नर। आज हम अपनी शुरुआत इस मीठे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बनाएंगे नारियल सूजी के लड्डू। तो इसमें हमारे को चाहिए कसे हुए काजू, कसी हुए बादाम, छोटी इलायची पाउडर और खरबूजे के बीज, थोड़ा सा एक चौथाई कटोरी दूध, एक कप सूजी, एक कप नारियल और 3 छोटे चम्मच देसी घी। अब हम अपने गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें पहले घी डाल देंगे और इसको पिघलने देंगे अच्छे से। और इसमें फिर हम सूजी डाल देंगे। हम इसको बिल्कुल हल्का ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे और उतने तक हमारे को भूनना है। इसमें से हमारे को थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लग जाएगी। वो पूरी भून चुकी है अच्छे से, इसको इतना ही रहने देना। और अब हमारा ये जो गैस है इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और जो ये है इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 1/4 कटोरी दूध, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी तो मिला लेंगे। चाशनी बनाएंगे दूध की। और अब 1 कटोरी नारियल का बुरादा मिलाकर इसको हिला लेंगे। हिलाते रहना, जलेगा जलना नहीं। पाँच मिनट तक इसको चलाते रहें ऐसे। अब हम इसमें इलायची पाउडर, बादाम कसे हुए और काजू डालकर हिला देंगे। जो हमारी भुनी हुई सूजी थी वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसको चलाते हैं। बिल्कुल जो ये हमारा मिश्रण है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम जो हमारा गैस है इसको बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। मिश्रण है बिल्कुल तैयार हो गया है। हाथ में थोड़ा सा घी लेकर हम अपने मिश्रण से लड्डू बनाएंगे और ऐसे हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। और ऐसे हम अपने सारे मिश्रण से लड्डू बना लेंगे। लड्डू हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे। और थोड़े से खरबूजे के बीज के साथ। और अब हम इसको सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट के। और इस चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और जितना हो सके उसको लाइक करें।